अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस टाइम मोर एट माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल लाइफ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है और आप लोगों के लिए इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। फ्रेंड, आज भी आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूँगा। बहुत से दोस्तों ने कमेंट में पूछा कि कैसे वीडियो एडिट करें हम, तो फ्रेंड मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर शेयर करने जा रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसके बहुत अच्छे फ्यूचर है। फ्रेंड, आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपनी वीडियो बहुत अच्छी एक प्रोफेशनल एडिटिंग उसमें कर सकते हो। तो फ्रेंड, आप लोग कहोगे कि ये हम कहाँ से डाउनलोड करें, तो फ्रेंड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ्रेंड मैं आप लोगों को इसके आज सब फ्यूचर के बारे में बताऊँगा जो आप लोगों ने यूज़ करने हैं। क्योंकि फ्रेंड, अगर आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया लेकिन आपको यूज़ करना ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं। चलो, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप इसके फ्यूचर यूज़ करते हो। फ्रेंड, कुछ इसके फ्यूचर के बारे में आप लोगों को बता दूँ कि इसमें आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर सकते हो। फ्रेंड, इसके अलावा आप ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हो और स्प्लिटिंग करना चाहो तो स्प्लिटिंग भी कर सकते हो। फ्रेंड, इसमें अगर आप दो वीडियो को डिस्पैच, वीडियो और ऑडियो को डिस्पैच करना चाहो कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, हर चीज़ आप इजीली कर सकते हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्रेंड, वो विदाउट सॉफ्टवेयर आप अपनी वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसका लिंक मैं आप लोगों को आई बटन में भी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियो वॉच कर लेना। तो फ्रेंड, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता चलूँ, अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच करते हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो फ्रेंड, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। फ्रेंड, ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास वंडर शेयर फिल्मोरा 9 का आइकन है। फ्रेंड, जो लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप लोग जब डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो आप लोगों के पास भी ऐसा आइकन शो करेगा। तो फ्रेंड, अभी इसको ओपन करते हैं, इस पर आप लोगों ने राइट क्लिक करना है। ये राइट क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन है ओपन, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वंडर शेयर फिल्मोरा 9 का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड, मैं आप लोगों को कुछ फीचर इसके बताऊं। ये हमारे पास टॉप पे कुछ फीचर है फ्रेंड, आप देख सकते हो मीडिया, ऑडियो, टाइटल्स, ट्रांजिशन, इफेक्ट एलिमेंट, स्प्लिट स्क्रीन, और इसके बाद हमारे पास ये मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब बताऊँगा, प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये हमारे पास इम्पोर्ट, ये रिकॉर्ड। फ्रेंड, ये इम्पोर्ट वो होता है जो हम अपनी जो पिक्चर हम ऐड करना चाहते हैं या हम वीडियो को कंबाइन करना चाहते हैं तो वो हम इम्पोर्ट करते हैं अपनी गैलरी से या आप ड्राइव से ऐड, अगर आप ड्राइव से इम्पोर्ट करना चाहते हो तो ये आप ड्राइव से भी इम्पोर्ट कर सकते हो। उसके बाद ये रिकॉर्ड, ये हमारे पास हमारी देखो हम पीसी, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेबकैम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और वॉइस और भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ ये ऑप्शन भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। उसके बाद फ्रेंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास ये दो जो ट्रैक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास एक ऑडियो ट्रैक है, एक वीडियो ट्रैक है। फ्रेंड, आप इसमें और ट्रैक भी ऐड कर सकते हो, कहाँ से करोगे ये भी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसके बाद ये हमारे पास ये ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। फ्रेंड, जब आप लोगों की वीडियो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप अपनी वीडियो सेव करना चाहते हो, सेव करने से पहले आप लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे, जैसे ही आप एक्सपोर्ट करोगे ये कम्प्लीट हो जाएगी, कम्प्लीट होने के बाद आप लोगों की गैलरी में सेव हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इम्पोर्ट करनी है अपनी कुछ पिक्चर्स या जो भी वीडियो वगैरह, तो मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर यहाँ से इंपोर्ट करूंगा। ये देखो फ्रेंड, ये हमारे पास इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, तो मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये हमारे पास डेस्कटॉप पे मैं कुछ पिक्चर ले लेता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड देखें, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर आप दो या तीन पिक्चर या उससे ज़्यादा पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन ज़रूर प्रेस करके रखना, अदरवाइज आप नहीं ऐड कर सकते। तो फ्रेंड, ये मैंने कुछ पिक्चर ऐड की और मैं यहाँ सेलेक्ट की, उसके बाद मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया। तो ये देखो फ्रेंड, ये हमारे पास कुछ पिक्चर आ चुकी है। उसके बाद फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक वीडियो ओपन करके दिखाऊंगा जिसकी स्क्रीन हमारे पास ग्रीन है और उसकी स्क्रीन मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगा, स्क्रीन चेंज करके दिखाऊँगा आप लोगों को। तो फ्रेंड, ये मैंने डाउनलोड की है वो
तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास ग्रीन स्क्रीन जो हमारे यूट्यूबर अक्सर अपने वीडियो में लगाते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, वही वीडियो में आज आप लोगों को बताऊंगा उसका ग्रीन स्क्रीन कैसे आप रिमूव कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी ये देखो, ये मेरे पास एक ऑडियो ट्रैक है और एक वीडियो ट्रैक है। ये हमारे पास वीडियो ट्रैक है, ये आप देख सकते हो पॉइंट, और ये हमारे पास ऑडियो ट्रैक है। फ्रेंड मैं यहाँ से जाऊँगा, ये हमारे पास प्लस का निशान, प्लस का जो सिंबल है, और यहाँ हम इस कह सकते हैं मैनेज ट्रैक, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा ये मेरे पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ हम वीडियो ट्रैक भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ट्रैक भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ सबसे पहले एक वीडियो ट्रैक ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो फ्रेंड, हमारे पास दो वीडियो ट्रैक हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ कुछ फ्रेंड अपनी पिक्चर, ये फर्स्ट पिक्चर जो है फ्रेंड ये मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। उसके बाद मैं सेकंड पिक्चर भी ला के यहाँ इसके साथ एडजस्ट करूँगा, थर्ड पिक्चर, इसी तरह हम करते जाएंगे। फ्रेंड मैं आप लोगों को अभी ये जो हमने पिक्चर ऐड की, इसके बाद मैं आप लोगों को क्रॉपिंग भी बताऊँगा, जूम भी बताऊँगा फ्रेंड, और म्यूज़िक का भी बताऊँगा, ऑडियो म्यूज़िक जो है हमारे पास बैकग्राउंड में होता है वो कैसे ऐड करते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। फ्रेंड आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। फ्रेंड ये देखें, सबसे पहले मैंने ये पिक्चर ऐड की और मैं यहाँ से प्ले करता हूँ। जैसे ही मैं प्ले करता हूँ ये देखें फ्रेंड, ये हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब इसमें कोई वॉइस नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड आगे देखना आप लोग, ये हमारे पास जो थर्ड पिक्चर है, ये देखो फ्रेंड ये अभी हाफ है, इसके अप एंड डाउन और अप एंड डाउन जो हमारे पास जगह है, ये हमारे पास ब्लैक शो हो रही है। अभी इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास कोई पिक्चर है और वो हाफ स्क्रीन है, तो आप उसको कैसे कंप्लीट स्क्रीन करोगे, या उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करोगे। तो फ्रेंड जस्ट आप लोगों ने इस पिक्चर पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे तो ये आप लोगों के पास एडिटिंग फॉर्म में आ जाएगी। तो फ्रेंड आप लोगों ने यहाँ से इस एजिस से इसको आप लोगों ने ड्रैग करना है यहाँ टॉप पे, ये देखें फ्रेंड, और यहाँ से आप लोगों ने बॉटम पे ड्रैग कर देना है। ये अभी आप लोगों के पास कंप्लीट स्क्रीन पिक्चर बन चुकी है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर भी देख लेते हैं फ्रेंड। ये देखो हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर में अभी आप देख सकते हो कितनी ब्लैक ऊपर भी स्पेस है और नीचे भी, हम इसको भी अभी ड्रैग करके कम्प्लीट कर देते हैं। तो फ्रेंड ये देखो हमने ड्रैग किया अप एंड डाउन, तो ये हमारे पास कम्प्लीट स्क्रीन। तो लास्ट वन भी देख लेते हैं फ्रेंड, ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास साइड से कुछ ब्लैक ब्लैक एरिया है, तो हम इसको भी ड्रैग करके यहाँ से और यहाँ से भी हम ड्रैग करके, तो ये देखो फ्रेंड हमारे पास कंप्लीट स्क्रीन हो है। अभी हम फ्रेंड मैं आप लोगों को बताऊंगा, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो इसके बाद मैं आप लोगों को ये देखो, ये हमारे पास मीडिया हो चुकी है। अभी मैं आप लोगों को ऑडियो बता देता हूँ फ्रेंड, ये हमारे पास कुछ ऑडियो होती है, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से कैसे डाउनलोड करोगे फ्रेंड, ये हमारे पास ऑप्शन होता है, ये देखें फ्रेंड ये ऑप्शन है, इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये आप लोगों के पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड कुछ जो हमारे पास डाउनलोड है मैं आप लोगों को वो लगा कि ये हमारे पास डाउनलोड है मेरे पास। तो फ्रेंड मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको क्लिक करके और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो ये देखो हमारे पास ये ऑडियो ट्रैक में आ चुका है। अब फ्रेंड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब ये हमारे पास वीडियो तो यहाँ तक है हमारी पिक्चर, लेकिन ऑडियो हमारे पास ऑडियो तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, ख़त्म कैसे करेंगे, इसको हम स्प्लिटिंग बोलते हैं फ्रेंड। तो आपने यहाँ पर ला के अपना जो पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से आगे जो हमारे पास है ये ऑडियो, जो हमारे पास म्यूज़िक है ये एक्स्ट्रा है, इसको हमने रिमूव करना है। तो फ्रेंड आपने जस्ट जाना है यहाँ, ये हमारे पास जो स्प्लिटिंग फॉर्म है कैंची टाइप की, यहाँ इस पर हमने क्लिक करना है, ये हमारे पास सेलेक्ट हो चुका है, और ये अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया फ्रेंड। अब आप लोगों ने जाके यहाँ से, ये हमारे पास डिलीट ऑप्शन है, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप डिलीट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे जाना, राइट क्लिक करना, और ये आप लोगों के पास डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से भी डिलीट कर देते। ये देखिए अभी फ्रेंड हमारे पास इक्वल हो चुका है ऑडियो वीडियो ट्रैक। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ कि आप लोग, ये देखें फ्रेंड हमारे पास म्यूज़िक भी स्टार्ट हो चुका है। अब फ्रेंड आप लोगों ने म्यूज़िक का वॉइस जो हमारे पास होता है वो आप लोगों ने डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कहाँ से कर सकते हो, तो फ्रेंड आप लोगों को मैं वो भी साथ साथ बताता चलूँ। यहाँ से ये हमारे पास जो ऑप्शन है, ये देखें फ्रेंड ये अभी डिक्रीज हो चुका है, ये इंक्रीज़, ये देखें अभी, और ये अभी आप लोग दरमियान में भी रख सकते हो जहाँ भी। तो फ्रेंड ऐसे आप इसका वॉइस भी आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड ये चलो ऑडियो को भी आप लोगों ने सीख लिया कि ऑडियो कैसे हम लगाते हैं अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड अभी हम चाहते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टाइटल।
फ्रेंड आप अपनी वीडियो में कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो उसको हम टाइटल बोलते हैं। हम टाइटल लगा के उसमें अपना कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो कैसे करते हैं फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता देता हूँ आज। ये देखो फ्रेंड, हमारे पास बहुत से टाइटल ऑप्शन होते हैं, इसमें भी आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये हमारे पास कुछ डाउनलोड है, मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ला के इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास अभी ये हमारे पास एक ऑप्शन सा आ चुका है। और इसको हम अभी कैसे इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे फ्रेंड, आप अपनी वीडियो प्ले करना, जैसे ही प्ले करेंगे जहाँ भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है, ये हमारे पास अभी टेक्स्ट की जगह आ चुकी है। तो फ्रेंड अभी मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारे पास एडिटिंग फॉर्म में आ चुकी है। तो फ्रेंड आप लोगों ने सिंपल इसमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन आने के बाद आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर देना है। और सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने अपने जो आप लोगों के पास कीबोर्ड है वहाँ से आप लोगों ने जाके बैक स्पेस कर देना है। ये आप लोगों के पास रिमूव हो चुका है। अब आप लोगों ने जो टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं आप वो टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर देना। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे अपना नाम ही अगर टाइप करता हूँ तो ये देखे फ्रेंड, मैं अपना नाम कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये मैंने अपना नाम टाइप किया और यहाँ से देखो फ्रेंड मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ से इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिक्रीज करता हूँ तो ये देखें 68 पे रखा। फ्रेंड आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। हमारे पास बोल्ड ऑप्शन होता है, ये हमारे पास इटालिक ऑप्शन होता है। आप अगर करना चाहते हो तो यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हो। और ये देखो हमारे पास बोल्ड हो चुका है। और यहाँ से दोबारा मैं सेलेक्ट करके यहाँ से इटालिक भी इसको कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, आप इसको अलाइनमेंट होती है हमारे, इसको राइट लेफ्ट अप एंड बॉटम कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड आप लोगों के पास ये कुछ स्टाइल होते हैं, फॉन्ट स्टाइल, तो आप जो भी रखना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड ये देखो मैं अगर ये सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद ये सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे शो होंगे। तो फ्रेंड ये देखो, उसके बाद दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ, इसको मैं एनिमेशन लगाता हूँ। फ्रेंड एनिमेशन बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की वीडियो में, आप हमेशा लगाते रहना। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो ये हमारे पास एनिमेशन ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ जाके जस्ट इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा फ्रेंड, और ये हमारे पास अभी मैं ये देखो, आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, जहाँ भी आप रखना चाहते हो आप इसको रख सकते हो। तो फ्रेंड अभी मैं जाके आप लोगों को प्ले करके दिखाऊंगा। तो ये देखे फ्रेंड, हम यहाँ से इसको प्ले कर देते, जैसे ही मैं प्ले करूँगा देखना आप, ये रोटेट भी होगा और हमारे पास ये जो हमने एनिमेशन लगाया था वो भी आएगा। ये देखे फ्रेंड, ये देखे। तो फ्रेंड ऐसे आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांजिशन का, फ्रेंड आप जब दो वीडियो को कंबाइन करना चाहते हो उसके दरमियान कोई ना कोई ट्रांजिशन लगाते हो तो कैसे लगाओगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। फ्रेंड ये हमारे पास अगर दो पिक्चर को हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ हम दरमियान में चाहते हैं कोई ट्रांजिशन ऐड करें, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर दे। फ्रेंड आप लोगों ने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ला के इसको जहाँ भी आप लगाना चाहते हो वहाँ पर ला के इसको ड्रैग कर देना है। तो ये देखो मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा यहाँ से प्ले करके। तो ये देखें फ्रेंड, ये देखें फ्रेंड, ये हमारे पास ट्रांजिशन होता है। तो ऐसे हमारे पास ट्रांजिशन आप लोग ऐड कर सकते हो। तो होप्स हो कि आपको ये फीचर भी समझ आ चुका होगा। तो फ्रेंड ये हमारे पास कुछ इफेक्ट होते हैं, अगर आप कोई इफेक्ट ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपल उस पर क्लिक कर दे तो आप लोगों के पास यहाँ कोई ना कोई इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये देखो फ्रेंड, आप जो इफेक्ट भी ऐड करना चाहते हो तो आप वो इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास फ्रेंड, कुछ एलिमेंट्स भी हमारे पास यहाँ गिवन होते हैं। आप अगर वो एलिमेंट अपनी वीडियो में लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको जस्ट आप लोगों ने क्लिक करना है। ये देखो आप लोगों के पास ऐसा एलिमेंट ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड। तो अभी देखना, हम जब मैं वीडियो प्ले करूँगा तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर, जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये हमारे पास शो होंगे। ये देखो फ्रेंड, तो ऐसे एलिमेंट आप अपने वीडियो में ऐड कर सकते हो। फ्रेंड आप किसी भी तरह के एलिमेंट जो आप लोगों को अच्छा लगे आप यहाँ पे आके अपने वीडियो में ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है स्प्लिट का। फ्रेंड स्प्लिटिंग ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एडिटिंग में। फ्रेंड आप अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो आप लोगों को यहाँ तक चाहिए और ये दरमियान का जो पोर्शन है ये आप लोग चाहते हो कि मैं डिलीट कर दूँ तो यहाँ इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग। आप ये हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिटिंग का, यहाँ से भी हमारे पास स्प्लिटिंग का ऑप्शन है।
आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। तो ये देखो ये आप लोगों के पास सेलेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड अब यहाँ से सेलेक्ट हुआ है तो मैं जस्ट जाके यहाँ में डिलीट की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ये देखो फ्रेंड हमारे पास ये जगह रिमूव हो चुकी है, ये डिलीट हो चुका है। बताऊँ क्रॉपिंग का यहाँ पे हम लाके छोड़ देते हैं, और मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ हम लोगों ने ट्रांजिशन ऐड किया था फ्रेंड, यहाँ पे हम लाके छोड़ देते हैं। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हम लोग क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आप लोग दोबारा जाना और यहाँ पे इस पर ये जो हमारे स्प्लिटिंग ऑप्शन होते हैं ये स्प्लिट किए मैंने, और यहाँ से जाके मैंने यहाँ पे दोबारा स्प्लिट पे क्लिक किया, और ये दरमियान का एरिया जो हमारे पास है ये स्प्लिट हो चुका है। तो फ्रेंड मैं इस पर जाके यहाँ पे जाके तो यहाँ पे देखना ये हमारे पास क्रॉपिंग का, ये हमारे पास क्रॉप का सिंपल है, तो मैं यहाँ पे जाके क्रॉप करूँगा इसको। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हो क्रॉप कैसे करते हैं। ये देखो फ्रेंड जहाँ तक भी आप जितने भी आप क्रॉप करना चाहते हो आप वो क्रॉप कर देना। तो ये फ्रेंड हमारे पास क्रॉप हो चुका है, तो मैं अभी इसको ओके कर देता हूँ। तो फ्रेंड अब देखना मैं प्ले करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये हमारे पास जस्ट ये देखो फ्रेंड ये हमारे पास क्रॉपिंग एरिया जो था वही शो कर रहा है। तो फ्रेंड ऐसे में आप अपनी वीडियो में अगर क्रॉपिंग करना चाहते हो तो आप ऐसे क्रॉप कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड आगे हम चले नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है फ्रेंड आप लोगों के पास यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप लोग जो बैकग्राउंड स्क्रीन है वो आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी मैं यहाँ से जाऊँगा मीडिया पे, और ये हमारे पास जो मैंने एक वीडियो इंपोर्ट की थी वहाँ से मैं जाऊँगा इस वीडियो को मैं ला के यहाँ पे, ये देखो मैं वीडियो को ला के यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। तो फ्रेंड अभी मैं इस पे ला के देख जैसे ही मैं, तो फ्रेंड ये हमारे पास होती है ग्रीन स्क्रीन, इसको हम रिमूव करते कैसे। फ्रेंड आप लोगों ने जस्ट इस पे राइट क्लिक करना है, ये हमारे पास टॉप पे शो प्रॉपर्टी है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये हमारे पास ग्रीन स्क्रीन है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को ये टॉप स्क्रीन वाला बताऊँगा। यहाँ पर आप जाके शो प्रॉपर्टीज़ पर आप लोगों ने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये हमारे पास क्रोमा की पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। फ्रेंड अब यहाँ से आप लोगों ने जाना है, और ये आप लोगों के पास वाइट जो कलर है यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, और ये आप लोगों के पास पिन टाइप की जो बनी है सिंबल इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप लोगों ने ड्रैग करके यहाँ पे ला के ये छोड़ देना है। तो ये देखो फ्रेंड आप लोगों के पास ये कलर रिमूव हो चुका है ग्रीन जो आप लोगों के पास था। अब ये आप लोगों के पास अभी इसको आप लोगों ने जस्ट ऑफसेट पे आप लोगों ने इसको ला के यहाँ पे 100 पे कर देना है, और यहाँ से टॉलरेंस इसको थोड़ा सा कम कर देना है। तो फ्रेंड आप जैसे करेंगे अभी आप लोगों के पास कंप्लीट, आप यहाँ से भी आप ड्रैग करके जहाँ भी रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, तो फ्रेंड इसको ओके कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से जाके इसको थोड़ा सा बैक कर देते हैं, और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीडियो। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड आप लोगों के पास ये देखे, और साथ ही आप लोग बेल आइकन पर, तो ऐसे आप अपनी वीडियो में सब्सक्राइब का बटन ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड ये हमारे पास तो अब मैंने आपको तकरीबन हर ऑप्शन बता दिए है, तो ऐसे में आखिर में जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है वो एक्सपोर्ट का होता है, तो यहाँ से जाके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड ये देखो ये अभी हमारे पास, मैं अभी जाता हूँ इसको ओके करता हूँ, तो ओके करने के बाद ये हमारे पास ये जो ऑप्शन है देखो फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों को ये साइज़ बता रहा है 15.5 MB जो हमने अभी वीडियो बनाई है। उसके बाद ये हमारे पास फ्रेम पॉइंट वर्क जो पर सेकेंड होता है ये 25 फ्रेम पर सेकेंड। उसके बाद ये हमारे पास ड्यूरेशन होती है, अभी हमारे पास जो इस वीडियो की ड्यूरेशन है वो 25 सेकेंड है। तो उसके बाद मैं जस्ट क्लिक करूँगा एक्सपोर्ट पे, तो ये हमारे पास एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी और हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी।